ये माकुल का नीला हुआ वालेकुम नमस्कार सुश्री अखिल आदाब की इमचो कसा खैर हेलो एंड वेलकम वड़कम मैं राहित फकीर मोहम्मद सोगर आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, जी हाँ, हर नए फिश मार्केट दिखाने वाला हूँ। हर नए फिश मार्केट जहाँ पर फिश का ऑक्शन होता है, फिश का नीलाव होता है, वही फिश मार्केट में आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ। मैं दापोली आया था तो दापोली से सोचा मुझे हरने भी आना चाहिए क्योंकि बहुत पास में है दापोली से हरने, 16 किलोमीटर की दूरी पर। तो सोचा मैं हरने फिश मार्केट भी आओ यहाँ पर और आप लोगों को हरने फिश मार्केट दिखाओ, अपने अंदाज में दिखाओ। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ, मैं हरने फिश मार्केट दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए चलते हैं, देखते हैं मार्केट के अंदर जाके। हरने समंदर किनारे पे बसा हुआ दापोली तालुके में रत्नागिरी जिले में कोकण में एक सुंदर गांव है। दापोली में हरने ये गांव मच्छीमारी के लिए जाना जाता है और हरने बंदर से बड़े बड़े बोट्स सुबह और शाम मच्छीमारी करके हरने बंदर के किनारे पे लगते हैं और ये बोट्स अलग अलग वेराइटीज़ के फिश लेके आते हैं। पापलेट, सुरमय, प्राउंस, माकुल, हलवा और भी बहुत सारे फिश लेकर आते हैं और बोट्स के जो भी फिश होते हैं वो किनारे पे लगने के बाद बैलगाड़ी, रिक्शा, टेम्पो और ये फिश मार्केट में लेके जाते हैं और फिर उसका निलाव होता है और ये फिश की बोली आप लोग भी लगा सकते हैं। जितने में उनको देना होगा और आपका रेट उनको पसंद आता है तो उस रेट में आपको फिश दे देंगे और ये जो मार्केट है वो होलसेल मार्केट है। और जब मैं इस मार्केट में गया तब मैंने देखा कि पापलेट, सुरमय जैसे फिश के बड़े बड़े वाटे लाखों में बेच रहे थे और यहाँ पर भाव ताव कम ज़्यादा भी होता है। और अगर आप इस फिश मार्केट में जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सुबह के टाइम पे जाए और होलसेल मार्केट के बाजू यहाँ के जो लोग हैं वो फिश लेकर अपना रिटेल मार्केट चालू कर देते हैं। और ये जो फिश मार्केट है वो सुबह में 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और शाम में 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पीछे हरदी का फिश मार्केट है जो आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा रश है उसकी वजह से मैं अंदर जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। उनका ऑप्शन चालू, उन लोगों का निलाव चालू है तो जितना मेरे से होगा मैं उतना शूट करके बताऊँगा। जो जो मच्छी जहाँ पर है वो सब मैं आपको बताऊँगा। और ये जो मेरे पीछे है यहाँ से मच्छी आती है, यहाँ पर बोट रुकते उसके बाद फिर बैलगाड़ी पे मच्छी यहाँ पर आती है। कुछ कुछ रिक्शा टेम्पो भी है यहाँ पर, उसके भी आते हैं कोई कोई बैलगाड़ी से आता है बंदर में फिश मार्केट में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शाम के टाइम में हर कोई बिजी होता है। पहली बार आया मैं हरने और अच्छा लग रहा है, देखो उससे भी फिश आती है वहाँ से बंदर के, वहाँ पर बोट रुकते हैं, बोट रुकने के बाद फिर वहाँ से फिश इसमें यहाँ पर आती है और वो फिश यहाँ पर मिला होता है, उसका ऑप्शन होता है यहाँ पर। ये सब जो आपको नज़र आ रहे हैं फिश सब बच्चे हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप लोग कितने लोग हैं इस फिश मार्केट में, हरने की इस फिश मार्केट में कितने लोग हैं। अगर देखा जाए तो कोकण में सबसे बड़ा फिश मार्केट माना जाता है हरने फिश मार्केट। यहाँ पर अभी हरने में आने के बाद मैं पंजीम मामू और दादा मामू उनको मिला, मैं अपने गांव से कार्ती गांव से हरने में रहते हैं, यहाँ पर आने के बाद उनसे मिला। आज हरने फिश मार्केट में है फिश मार्केट वहाँ पर जहाँ पर फिश का ऑप्शन होता है, फिश का मिला होता है, वहीं पर हम लोग आज हरने बंदर पर हैं। हरने बंदर का ये फिश मार्केट है, अंदर जा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पर जाके। मैं आप लोगों को कैमरे से दिखा नहीं सकता और मैं रेट भी बता नहीं सकता, कौन सी भी फिश का मैं रेट बता नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन होता है यहाँ पर, जिस तरह से निलाव होता है उसी तरह से यहाँ पर निलाव होता है, ऑप्शन होता है। तो मैं कोई कुछ फिक्स रेट बता नहीं सकता हूँ मैं आपको फिश का। लेकिन इस फिश मार्केट में लाखों में फिश बेची जाती है। ये हलवा है, पापलेट है, तो सुरमय है, तो खेकड़ा। अगर आप लोगों को इस फिश का नाम मालूम रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बताइए कि कौन सी फिश है ये। क्या है?
आप लोगों को बोली की आवाज आएगी अब। सुरमई 2000 रुपए का मिल जाएगा, 2000 में सब सुरमई मिल जाएगा। ले सुरमई 2000 कितने का पापलेट? ले सुरमई 2000 एक मल्टी मार्केट 20,000 रुपए का पूरा ही है। 20,000 रुपए के पापलेट मिलेंगे आपको, फ्रेश पापलेट हो गए सब बड़ी साइज है। बोला अभी हां सुनना, बोला 2050 पापलेट बोले 10,000 रुपये है रोकड़ा। भाई रोकड़ा है नहीं तो बहुत बोल, क्या माल की पोजीशन नहीं है माल डालने के लिए। 2000 रुपये सिर्फ जाएगा। 3700 का ये अभी तो बंदर वहाँ भरता है। 2000 रुपये का रहेगा ये। अभी पहले जाता था 2000, अभी जा रहा है 1000 में, अभी जाएगा 1000 में। और ये 2000 में गिफ्ट कर दे, सब लोग 2000 रुपये का रेट है। बड़ा साइज 8-9 हज़ार में जाता है, उधर मिलेगा ऑप्शन। अब उधर चल के देखते हैं से चालू टाइम है। ये व्हाइट झींगा आई थिंक। और ये जो आपको 9 टब दिख रहे हैं, ये पूरे 1.5 लाख रुपए की फिश है। ये पूरी 1.5 लाख रुपए की फिश। अगर किसी को इस फिश का नाम पता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करे और बताए। और ये जो सारा झींगा दिख रहा है ये 29,000 का है। 29,000 का झींगा है पूरा। और ये जो आप लोग को माकुल दिख रहे ये 50,000 रुपए के, तो पूरा टब भरा हुआ रहेगा। ये 50,000 रुपए के माकुल है। सब फिश का ऑक्शन होता है और ये पूरा 50,000 रुपए का है। माकुल को गोटा माकुल बोलते हैं और ये अपना रेगुलर माकुल है। कटल फिश है, कटल माकुल है। ये शाही छोड़ता है, काली काली शाही छोड़ता है। आप लोग देख सकते हैं पूरा काले से टब भर चुका है। तो आज का वीडियो इधर ही खत्म हुआ। आज आप लोग को दिखाया मैंने हरदई बंदर पे जो फिश ऑक्शन होता है, जो फिश निला होता है, वो आज मैंने आप लोग को इस वीडियो में दिखाया। ये पूरा हरदई बंदर है। आज मैं हरदई बंदर पे आया था, दिखा रहा हूँ आपको हरदई बंदर फिश। इसी से लेके जाते हैं, तो जितना मेरे से हुआ मैं उतना शूट कर पाया। ये बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनके बीच में शूट करना बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी। तो जितना मेरे से हुआ मैं उतना बता दिया। और फिश ऑप्शन होता है, यानी यहाँ पर प्रॉपर आपको फिश का रेट नहीं बता सकते। जो पूरा टब होता है
वो टब के साथ फिश देते हैं। और ये पूरा हरने बंदर है, हरने बंदर पर मैं घूम रहा हूँ आज। ये देखिए ये हरने बंदर है, यहाँ से फिश आती है और बैलगाड़ी में रिक्शा टेम्पो से यहाँ से फिश उस वहाँ पर जाती है, ऑक्शन में जाती है, सारे बोट से फिश आती है। यह है हरने, ब्यूटी ऑफ कोकन। हरने तो अभी मैं निकल रहा हूँ हरने फिश मार्केट से, हरने से, दापोली से अभी मैं निकल रहा हूँ रत्नागिरी के लिए। तो बहुत अच्छा लगा ये दो दिन मैं दापोली में आया, सरफराज के घर पे रहा, सरफराज ने मेरे को बहुत घुमाया, पूरा दापोली घुमाया, पूरा हरने घुमाया, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को वीडियो में सब कुछ देखने मिल जाएगा और फिर कभी आएंगे दापोली में, हरने में, क्या पता शायद अब सरफराज की शादी में। खुदा हाफिज, मिलते वापिस अगली वीडियो में।